गोरखपुर जोन की 3 दिवसीय अंतर जनपदीय मलखम प्रतियोगिता का समापन समारोह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें विजय प्रतिभागी टीम को एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर एसपी साउथ गणेश प्रसाद साह, एसपी चारू निगम, सीओ कोतवाली तारकेश्वर पांडे सहित सभी टीमों के कोच, खिलाड़ी व पुलिस के जवान मौजूद रहे। समारोह में गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया सहित जोन की 9 जिलों की टीम शामिल रही। बहराइच तथा श्रावस्ती की टीम प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकी। समापन अवसर पर मलखम के खिलाड़ियों ने अपने कला कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें प्रथम पुरस्कार गोरखपुर की टीम को तथा दूसरा पुरस्कार बस्ती की टीम को मिला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया तथा चल बैजंती का शील्ड गोरखपुर की टीम को दिया। इस मौके पर अपने संबोधन में एसएसपी ने खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मलखम खेल एक पुरानी खेल पद्धति है जो कुछ दिनों पूर्व ही प्रचलन में आई है। इसमें खिलाड़ियों के अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, एसएसपी ने कहा। खिलाड़ियों का अभिनंदन, मान प्रणाम। गोष्ठी में प्रेरित किए गए हैं, कम समय में मार्गदर्शन में नंद जी यादव द्वारा बहुत बढ़िया। ललाट के भाग तालियों से स्वागत करें। करते समय अपने आप को संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कम समय मिला है, अपने बैलेंस को, ध्यान को एकाग्रचित करते हुए ऊपर जाना। भारत के ये जवान हैं और भारत की परंपरा है कि अपने राष्ट्र का नाम एक बार जरूर कोई भी कार्य करते हैं तो लिया जाए। उसी क्रम में हमारे जवाब जवान द्वारा मां भारत की आरक्षी रंजीत सिंह, आरक्षी बबलू कुमार कश्यप, आरक्षी धनंजय सिंह, आरक्षी राजीव रंजन, आरक्षी सुनील कुमार पांडे और प्रदीप कुमार, ये गोरखपुर जनपद की टीम के खिलाड़ी हैं। संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। गजाधर, गजाधर नाम है? राजीव रंजन, तुम चढ़े सबसे ऊपर, बहुत बढ़िया काम किए। कितने दिन से कर रहे हो ट्रेनिंग? ये देखिए मीडिया के जो लोग हैं नोट कीजिएगा, ये अभी 1.5 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं केवल पुलिस के, 2 दिन तो भी ठीक है। इधर देखिएगा, बहुत बढ़िया। का नाम लेता हूँ, आरक्षी मुख्य आरक्षी कुलहर यादव, और आगे आरक्षी मिथिलेश कुमार, आरक्षी सादिक खान, आरक्षी महेंद्र शर्मा,
साजिद खान, आरक्षी महेंद्र शर्मा, आरक्षी जगदीश सिंह, आरक्षी ब्रजेश यादव, आरक्षी पवन कुमार, इधर देखिए, और सबसे बड़ी बात कि आपने गोरखपुर की टीम को इतना अच्छा सिखा दिया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मुख्य आरक्षी श्री कृष्णकांत शुक्ला पीएससी मध्य जोन, उप सत्येंद्र कुमार कुशवाहा, उप सत्येंद्र कुमार कुशवाहा, बहुत तेज डाला राजेश कुमार, कैमरामैन आरक्षी एवं कार्यालय कार्मिक मिथिलेश मौर्य, ये गोरखपुर जो उसमें से एक था जिसको हम मल्ल खम्ब बोलते हैं, मल्ल यानी कुश्ती और खम्ब यानी उसका खम्बा। देखने में ये खेल जिम्नास्टिक की तरह लगता है लेकिन वास्तव में कुश्ती के पहले की जो शरीर सौष्ठव की तैयारी है उसका ये हिस्सा है। और ये बड़े दिनों तक खेल अंधेरे में रहा, गुमनामी में रहा, पीएससी मध्य जोन और वहाँ के अधिकारीगण, विशेष रूप से श्री सतीश गणेश जो हमारे पुलिस महानिरीक्षक हैं, उनका योगदान है कि इस खेल को इन लोगों ने पुनर्जीवित किया है और उसे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया है ताकि ये खेल दोबारा होता रहे। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करें। आप देख रहे हैं यहाँ ये खेल जितना कठिन लगता है उससे ज़्यादा उत्साह जो आपने दिखाया इस खेल में शामिल होने का वो काबिल तारीफ है। इस बात पे मत जाइए कि किसे चल वैजयंती मिली किसे नहीं मिली, लेकिन आप सब लोगों ने यह हौसला दिखाया इस खम्भे पे चढ़ने का, इस मल्ल खम्भ पे चढ़ने का। पार्टिसिपेशन ही सबसे बड़ा गेम है, सबसे बड़े खेल की संतुष्टि इसी में है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और विशेष रूप से मैं राजीव रंजन की तारीफ कर रहा हूँ जो यहाँ एक डेढ़ महीने की जेपीसी कर रहे हैं और दो तीन दिन के प्रैक्टिस में खेल को इतना अच्छा खेला इन्होंने और ये सबसे ऊपर चढ़े। विशेष रूप से उनकी प्रशंसा करता हूँ, आप सब लोग की प्रशंसा करता हूँ। और यहाँ मौजूद जितने भी लोग जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस आयोजन में लगे रहे उन सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आप लोग इसी प्रकार से लगे रहें और ये सफल आयोजन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत के समापन की औपचारिक घोषणा करता हूँ।